A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number one competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HS, Allied Services, Banking, SSC and entrance exams like CAT, MAT, TGT and PGT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 30th March 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Ajatika Amrit Mahotsav, Sujlam 2.0 campaign, Brahmoz Supersonic Cruise Missile, Bimstick Summit, Abel Prize, and Bharat bhagya Vidhata Festival. Here it is question number first on your screen now. वॉट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द सुजलाम टू पॉइंट ओ कैम्पेन जी हाँ सुजलाम टू पॉइंट ओ कैम्पेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुजलाम टू पॉइंट ओ इज़ ग्रे वाटर मैनेजमेंट जी हाँ ग्रे वाटर मैनेजमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंड बेसिकली ग्रे वाटर हम बोलते हैं उस पानी को जिसमें टॉयलेट यूज वाटर नहीं मिक्स्ड होता है आइए जानते हैं इसके बारे में एग्जाम प्रोस्पेक्ट से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज रिसेंटली लॉन्च द सुजलाम टू पॉइंट ओ कैंपेन फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट ग्रे वाटर इज अ वेस्ट वाटर फ्रॉम नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम द थीम फॉर दिस ईयर कैंपेन इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविबल वि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एंड अंडर द कैंपेन गवर्नमेंट विल मोबिलाइज कम्युनिटीज़ पंचायत स्कूल्स टू अंडरटेक ग्रे वाटर मैनेजमेंट जी हाँ इन सभी को जो है एक तरीके से यहाँ पर आ, तो इन सभी को जो है जागरूक किया जाएगा ग्रे वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सर्फेस टू सर्फेस ब्रमोज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जी हाँ ब्रमोज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है बहुत लंबे टाइम से जो है न्यूज़ में है और बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल टिल नाउ जी हाँ जो डी के द्वारा बनाई गई है और ये सबसे जो है तेज जिसको हम बोलते हैं स्पीड में वो मिसाइल है और इसका जो टेस्ट किया गया है अभी सरफेस टू सरफेस टेस्ट इसका किया गया है डी के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम डी के नाम से भी जानते हैं इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है बरमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सरफेस टू सरफेस और ये जो टेस्ट फायर था ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से किया गया था द एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल हिट इट्स टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी जी हाँ ये जो बरमोज़ है सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है अपनी एक्यूरेसी की वजह से और पिन पॉइंट एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेटली बिल्कुल एक पिन का भी जो डिस्टेंस होता है वो इसने मिस नहीं किया एक्यूरेटली उस पर हिट किया एंड वन ऑफ़ द मिसाइल अर्लियर मिस फायर ड्यू टू अ टेक्निकल मॉल फंक्शन फ्राम एन इंडियन एयर फोर्स यूनिट ड्यूरिंग अ कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन जी हाँ ये आपने न्यूज़ में सुनी होगी कि एक जो आ, टेस्ट फायर था मिस फायर था जो पाकिस्तान में जाकर मिसाइल गिरी थी काफ़ी न्यूज़ में थी इसके बाद जो है पाकिस्तान ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी और वहीं पर खुद के एरिया सिंध में ही उस मिसाइल को गिरा लिया था जिसके बाद काफ़ी आलोचना की गई थी पाकिस्तान की बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ बिम्स्टिक सब्मिट इन 2022 जी हां बिम्स्टिक सब्मिट का जो होस्ट था वो दो हज़ार बाईस में कौन सा देश रहा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड इट इज़ होस्टेड बाय श्रीलंका द बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन जिसे हम बिम्स्टिक के नाम से जानते हैं इसका भी एक सबमिट हुआ था 2022 में जो कि श्रीलंका में हुआ और बिम्स्टिक के जो पार्टिसिपेटिंग या मैं कहूँ जो इसके मेंबर्स हैं वो हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका म्यांमार एंड थाईलैंड एंड बिम्स्टिक character एंड बिम्स्टिक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आर प्रपोज जी हाँ इसमें जो है ट्रांसपोर्ट को लेकर जो है चर्चा हुई इस बार जो समिट हुआ था उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ट्रांसपोर्टेशन था एंड टू बी साइन ड्यूरिंग द श्रीलंका समिट और श्रीलंका समिट के दौरान दो, ही सभी देशों ने जो है इसको साइन किया बिम्स्टिक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन नाइन्टी सेवन एंड इट कॉम्प्रोमाइज सेवन मेम्बर्स जिनका अभी हमने नाम जाना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरेटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना जी हाँ किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी के द्वारा मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना का अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया एंड इट इज़ डन नन अदर दैन न्यू डेली द चीफ मिनिस्टर ऑफ़ न्यू डेली इम्प्लीमेंटेड द स्कीम आइए जानते इस स्कीम के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है And Mukhamantri Parks on the Yojana is a scheme being implemented by the government of Delhi as a part of scheme. द दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू ट्रांसफॉर्म 17 सिटी फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल जी हां यहां पर सत्रह छोटे फॉरेस्ट जो है डेवलप किए जाएंगे जिनका एरिया रहेगा तीन हजार एकड़ थ्री थाउजेंड एकड़ में जो है इनको बनाया जाएगा और इसके अलावा पंद्रह सौ वर्ल्ड क्लास पार्कस भी यहाँ पर बनाए जाएंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय द अबेल प्राइज़ 2022 जी हाँ अबेल प्राइज 2022 के विजेता कौन है और इस बार जो अबेल प्राइज़ है वो मिला है डेनिस परनेल सुलीवन को जी हाँ डेनिस परल सुलीवन इज़ द विनर ऑफ़ अबेल प्राइज़ 2022 ट्वेंटी टू द अबेल प्राइज़ फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू हैज़ बीन अवार्डेड टू द प्रोफेसर डेनिस पर्निलविलन इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली टू आउट मैथमेटिशियंस जी हाँ ये हर वर्ष जो है आउट जो मैथमेटिशियंस हैं उनको दिया जाता है द अवार्ड वाज एस्टेब्लिश बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन ट्वेंटी टू थाउजेंड टू में नारवेन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था एंड इज़ मैनेज्ड बाय द नारवेन एकेडमी और नारवेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स जो है इसको प्रोवाइड करती है इस प्राइज़ को हर बार इसका विजेता डिक्लेयर करती है प्रोफेसर सुलविन द प्राइज फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी इन पर्टिकुलर इट्स एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक एंड डायनेमिक एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर द इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आई सी नेम्ड हवा सोंग सेवनटीन जी हाँ हवा सॉन्ग सेवनटीन जो है काफ़ी पुराने टाइम से नॉर्थ कोरिया ट्राई कर रहा था एक मिसाइल क्रिएट करने की अराउंड 2017 में इसके लिए इसका नाम हव सॉन्ग रखा गया था और फाइनली इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स नॉर्थ कोरिया हैज़ कन्फर्म्ड डेट इट हैज़ टेस्ट फायर इट्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिंस टू थाउजेंड सेवनटीन नेम्ड हव सेवेंटीन होवासग सेवनटीन फ्लू वन थाउजेंड एंड नाइन्टी किलोमीटर एट ए मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट फाइव किलोमीटर यहाँ इसने एक हज़ार नब्बे किलोमीटर का सफर तय किया और इसकी जो हाइट थी वो छः हज़ार दो सौ अड़तालीस पॉइंट पाँच किलोमीटर थी और इसने अपने टारगेट को हिट किया हवसंग सेवनटीन इज़ क्लेम टू बी द लार्जेस्ट रोड मोबिल लिक्विड फ्यूल्ड आई सी बी एम इन द वर्ल्ड इसमें जो है इन्होंने लिक्विड फ्यूल से चलने वाली सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल को क्लेम किया गया है विच वॉज टेस्टेड इन नवंबर 2017 थाउजेंड रीच्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4475 किलोमीटर एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 950 किलोमीटर 2017 में जब इससे पहले इसका टेस्ट हुआ था तो इसकी जो हाइट थी वो 4475 किलोमीटर थी और जो इसने दूरी तय की थी वो थी 950 किलोमीटर की What is the percent rise in tuberculosis cases in India in 2021 as per India TB report 2022 टी बी रिपोर्ट ट्वेंटी जी हाँ दो हज़ार इक्कीस टी बी जो है दो हज़ार बाईस में रिली आ, रिवील की जाती है तो इस बार जो है ये एक चिंता का विषय भारत के लिए क्योंकि एक बहुत ही steep rise यहाँ पे देखा गया है near about नाइनटीन percent जो है cases में ट्यूबर के increase हुआ है तो और इसके साथ साथ मोरि mortality, mortality rate जो है वो भी ग्यारह percent बढ़ा है तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है द इंडिया टी वी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एज पर द रिपोर्ट इंडिया रिपोर्टेड अ शार्प नाइनटीन परसेंट राइज इन टी बी केसेज इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओवर द प्रीवियस ईयर यानी दो हज़ार बीस से दो हज़ार इक्कीस में इन केसेज में नाइन्टीन परसेंट का इंक्रीज़ हुआ द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट टी बी पेशेंट्स नॉट नोटिस्ड ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर अराउंड नाइन्टीन लैख एज़ अपोज टू दैट ऑफ सिक्सटीन लैख इन ट्वेंटी ट्वेंटी जी हाँ दो हज़ार बीस में सोलह लाख केसेज थे जो कि दो हज़ार इक्कीस में बढ़कर उन्नीस लाख उन्नीस लाख केसेस हो गए हैं देर हैज़ बीन इंक्रीज इन द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू टी बी बिटवीन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी एलेवन परसेंट इसी के साथ जो मोर्टेलिटी रेट है टी की वजह से जो मौतें हैं वो भी ग्यारह बढ़ी हैं विच इज़ द वेन्यू ऑफ भारत भाग्य विदाता फ़ेस्टिवल जी हाँ भारत भाग्य विदाता फेस्टिवल अभी रिसेंट टाइम्स में जो है कंडक्ट किया गया था पूछा गया है ये कहाँ पर हुआ था एंड ये फेस्टिवल जो है इसका वेन्यू था न्यू डेली द टेन डे मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल टाइटल्ड भारत भाग्य विदाता जी हाँ ये जो है रेड फोर्ट में दिल्ली में जो रेड फोर्ट है लाल किला है वहाँ पर एक दस दिन का फेस्टिवल है जिसको हमने नाम दिया था भारत भाग्य विदाता और ये कंडक्ट करवाया था अगेन as a part of azadi ka amrit mahotsav by the ministry of culture and the red fort festival is commemorate the heritage of the country and culture of every part of india इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं एक बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले सेशन में तब तक के लिए लाइक करें और कमेंट करें शेयर करें हमारी वीडियोस को धन्यवाद